बस राइड जो बर्निंग गार्ड में ले गाइस, जीवन आज है कल नहीं, ऐसा ही मेरा एक ब्रदर जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उसका लास्ट वीडियो मैंने अभी तक नहीं डाला था मगर आज डाल रहा हूँ क्योंकि हमको डालने का हिम्मत ही नहीं था। तो वो अभी इस दुनिया में नहीं है तो उसको ये याद करने के लिए मैंने ये वीडियो डाला है। तो मेरे ब्रदर के लिए आप लोग भी प्रार्थना कर दीजिए, वो कैंसर से इस दुनिया से चले गए। तो अभी दिखाते हैं हम, तो हम हिंदू धर्म के आधार पे हम लोगों का वो क्रियाक्रम किया जाता है और ये हम लोगों का लास्ट राइट जो बर्निंग घाट में ले जा रहे हैं, तो उस टाइम पे मैंने लिया था वीडियो। तो गाइस, हमारे गांव से कहीं दूर है बर्निंग घाट, तो उस टाइम पे हम लोग अभी भी यही करते हैं कि बहुत दूर ले जाना पड़ता है, अभी 2 किलोमीटर जैसा, तो पैदल चढ़ के हमारा बर्निंग घाट है। तो उस टाइम पे जब ले जा रहे थे तो उस टाइम पे मैंने ही लिया था। तो ये हम लोगों का बर्निंग घाट जा रहे हैं, ये हमारा चाय बगान के होते होते। तो गाइस, हम लोगों का जो बर्निंग घाट में जाने के लिए गांव का जितना भी आदमी रिलेटिव लोग लेके जाते हैं और कई सारे दूर है, यहाँ जाने के लिए 2-3 किलोमीटर पार करना पड़ता है। इसीलिए चाय बगान के होते हुए हम लोगों का बर्निंग घाट जहाँ पे छोटा सा रिवर है वहाँ पे ले जाते हैं। ये पाल पर मुख कर
उहाँको अन्त्येष्टि कर्म चाहिँ 7 तारिक नोभेम्बर 2023 आउँदैन आउँदैन पानी यस्तो कुरकुरेको अमिता जु खाना पाइदिउँ फोटो जाऊ मार्दे अहिले जान्छ उयो जाऊ तो ये अंतिम जब बर्निंग गार्डन में ले जाके सब कुछ ख़त्म किया जाता है तो उसके बाद 13 दिन तक हम लोगों का घर में जो हम लोगों का डेथ होता है उसका फैमिली मेंबर्स सब ऐसे करके उसके आत्मा के शांति के लिए हम लोग पूजा अर्चना करते हैं और अब जितना भी रिलेटिव जितना भी होता है 13 दिन के बाद बुला के खाना वगैरह किया मतलब वो उसके आत्मा के शांति के लिए ये क्रियाक्रम किया जाता है तो हिंदू धर्म के आधार पे हम लोग ये सब करते हैं। तपाईँको नानी लगेर मैले पानी नानी बाहुनु हुन्छ सिकाउनु त म जनता क्षेत्रीय बाहुन्छ गर्नुहुँदैन भनेको त्यही कारण सबैभन्दा पछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चिजलाई बुझ्नु जरुरी छ आत्मा के हो आत्मा कहाँबाट आएको छ आत्मा न स्त्री न पुरुष केही पनि होइन आत्मा आत्मा तत्त्व हो के भनेको र त्यसले चाहिँ हामीलाई चलाइरहेको छ र जबसम्म धर्मको रक्षा हुँदैन नि शरीरको रक्षा तब चाहिँ आत्माको पनि रक्षा हुँदैन त्यही कारण आत्मा रक्षा गर्नको लागि चाहिँ हामीले ज्ञान बटुल्नुपर्छ धन हो जीवनले जितना पैसा कमाए जो भी करे लास्ट में यही है हम लोगों का छोड़ के जाना है बस परिवार के लिए और जितना हो सके बहुत अच्छा सा कर्म करिए गाइस अपना रिलेटिव को जितना भी हो जो भी दुख में है अभी वो लोगों को हेल्प करिए बस लाइफ ऐसा ही है तो गाइस आज बस इतना ही मिलते हैं दूसरे व्लॉग्स पे तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस मलाई हेरेर मात्रै मान्छेले मलाई हेरेर मात्रै अहिलेको समय के छ भन्दा तपाईँले हेरेर म बाँच्छु नि त अब त्यस्तो छ म जे गर्दा हुन्छ भन्ने खालको समय छ अहिले समयमा त्यही कारणले गर्दा मान्छेले कहिले पनि अर्को चिन्ता नगर्नु कसैले पनि न छोरा छोरी बाउ आमा कसैको चिन्ता गर्ने काम छैन उसको चिन्ताले गर्दा म खाम सकिन्छु मात्रै होइन त तपाईँको चिन्ता मैले गर्ने काम होइन आफ्नो चिन्ता आफै गर्नुपर्छ छोराछोरीको चिन्ता नगर्नु पृथ्वी लोकमा जब ईश्वरले जन्म दिइसकेपछि उसको जिम्मा हटाउनु र उसलाई हामीले सम्झिनु पर्यो जस्तो तपाईँ हामीले छोराछोरीलाई जन्म दिन्छौँ नि जन्म दिइसकेपछि उसलाई लालन पालन गर्ने उसलाई उसको हरेक इच्छा पुरा गरिदिनु चाहिँ बाबामा कर्तव्य हो त्यस्तै जब ईश्वरले हामीलाई जन्म दिइसकेपछि हाम्रो ईश्वर चाहिँ को हो त हाम्रो आमा बाबुआमा को हो त भन्दाखेरि हामीदेखि माथि बसेका छन् जसले हामीलाई संसारमा पठाइदिनु भएको छ माताको गर्भद्वारा पृथ्वी लोकमा पठाइदिनु भएको छ नि उहाँको जिम्मा हो यो पृथ्वी लोकमा हामी बुढापाकाले भन्छ नि भगवान्ले खोपेको उक्ति छ नि भरिदिन्छ भन्छ नि अब त्यस्तै हो तर हामी चाहिँ ईश्वर समक्ष पुग्ने कर्म चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि त यो भगवान्ले दिइहाल्छ भनेर केही नगरी बस्यो भने त कहाँ दिन्छ दिएर नि त कोसिस त आफूले गर्नु पऱ्यो नि त भगवान्ले हात दिनुभएको छ खुट्टा दिनुभएको छ बोली दिनुभएको छ विभिन्न प्रकारको सबै चिज छ भने यसले त कर्म गर्नु लागि दिएको हो नि त तैँले कर्म गर नानी तैँले कर्म गर्यो भने तँलाई म दिन्छु भनेर दिनुभएको होइन।